उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले बयानों का दौर चल पड़ा है। अभी सूबे में अब्बा जान को लेकर राजनीतिक जंग चल रही थी कि अब अब्बा जान की जगह चाचा जान की एंट्री हो गई है। भारतीय किसान यूनियन के राकेश टिकैत ने हापुड़ में एक रैली के दौरान AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी को भारतीय जनता पार्टी का चाचा जान बताया। हापुड़ में एक सभा को संबोधित करते हुए राकेश टिकैत ने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा। टिकैत ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के चाचा जान असदुद्दीन ओवैसी अब उत्तर प्रदेश में आ गए हैं। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने आरोप लगाया है कि अगर असदुद्दीन ओवैसी भाजपा को गाली देते हैं तो उसके खिलाफ कोई केस दर्ज नहीं होता, क्योंकि ये दोनों एक ही टीम के हैं। भारतीय किसान यूनियन के नेता टिकैत ने यह भी कहा कि आज की सरकार सड़कें फैक्ट्री बेचने में लगी हुई है। प्रधानमंत्री ने 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने की बात कही थी, हमें भी 1 जनवरी 2022 से अपनी फसल के दाम दोगुने चाहिए। हम लोगों के बीच में जाकर अपनी बात बताएंगे। अगर इस सरकार ने हमें कुछ नहीं दिया तो हम इसे वोट नहीं देंगे और हमें वोट देना भी नहीं चाहिए। आपको बता दें कि हाल ही में कुशीनगर में एक रैली के दौरान यूपी के CM योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा था। इसी दौरान उन्होंने कहा था कि अब्बा जान कहने वाले लोग गरीबों का सारा राशन हड़प जाते हैं। CM योगी आदित्यनाथ के इसी बयान के बाद से सियासत गर्मा गई है और इसी शब्द के इर्द गिर्द जुबानी जंग छिड़ गई है। ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए पंजाब केसरी.com के साथ।